हेलो दोस्तों, मैं डॉक्टर सुनील कोठीवाला, डर्मेटोलॉजिस्ट फ्रॉम जयपुर। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। दोस्तों, ये वीडियो अर्टिकेरिया का पार्ट टू वीडियो है जिसमें हम बात करेंगे अर्टिकेरिया के डायग्नोसिस और उसका इलाज कैसे होता है उस बारे में। डायग्नोसिस में किस तरह के टेस्ट आपके लिए उपयोगी हो सकते हैं, किस तरह के टेस्ट आपके लिए वेस्ट हो सकते हैं, इलाज किस तरह से किया जाता है, जड़ से इलाज संभव है या नहीं है, और आपके लगातार इलाज लेने से बीमारी के खत्म होने पर क्या फर्क पड़ सकता है, इन सब चीजों के बारे में हम इस पार्ट टू वाले वीडियो में बात करेंगे। इससे पहले पार्ट वन में हमने अर्टिकेरिया के बारे में ये बताया कि वो कितने प्रकार का होता है, उन प्रकारों के क्या-क्या कारण हो सकते हैं, कहाँ पर कारण ढूंढना जरूरी होता है या ढूंढ सकते हैं, ढूंढ पाना पॉसिबल होता है, और कहाँ पर कारण का पता लगाना मुश्किल होता है, ये हमने बात करी पार्ट वन में। दोस्तों, अब बात करते हैं डायग्नोस्टिक टेस्ट के बारे में। मैंने मेरी प्रैक्टिस में देखा है कि पेशेंट अपने इलाज से ज़्यादा इस बीमारी में टेस्ट के पीछे भागता है। मतलब उसको ये चिंता लगी रहती है कि बस टेस्ट करा लो, कुछ जो भी हो जाए, एक बार में ये पता लग जाए कि किस कारण से एलर्जी हो रही है, उस कारण को मिटा दें ताकि जड़ से खत्म हो जाए। और मोस्ट ऑफ द टाइम ये होता है कि जब इसको जल्दी खत्म होना होता है ना, तो ये डॉक्टर के एक या दो कोर्स से अपने आप खत्म हो जाती है, चाहे आपने टेस्ट कराया हो चाहे नहीं कराया हो। और जब इसको नहीं खत्म होना होता है ना, जब ये क्रॉनिक होती है, तब कितने ही टेस्ट करा लो, आपको वो ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा, तभी खत्म होगी। तो दोस्तों, मैं एक रिक्वेस्ट के वे में आपसे बोल रहा हूँ कि जब कभी भी आपको कोई अर्टिकेरिया में टेस्ट सजेस्ट कर रहा है और अगर वो डर्मेटोलॉजिस्ट नहीं है, तो एक बार आप डर्मेटोलॉजिस्ट से जरूर कंफर्म करें कि आपको इन टेस्टों की जरूरत भी है या नहीं। क्यों? एक एलर्जी टेस्ट के नाम पे बहुत ठगी की जाती है, जिसमें बड़े बड़े दावे किए जाते हैं कि ये ब्लड का सैंपल दो, एलर्जी टेस्ट होगा। एक मशीन में आपका सैंपल पैनल में लगा दिया जाता है और उसमें एक लंबा सा चार्ट, 4, 5, 10 पन्नों की एक रिपोर्ट बनती है। उसमें से कुछ लाल पीले अक्षर कर दिए जाते हैं और आपके मन में एक डर बिठा दिया जाता है कि ये सब चीजें आपको अवॉइड करनी है, इनकी वजह से आपको एलर्जी हो रही है। 90% टाइम पर वो रिपोर्ट जस्ट एक अनदर कंप्यूटराइज जो रिपोर्ट होती है उसकी तरह होती है। पेशेंट खुद घर पे अपने आप से उनको अवॉइड करके हमारे पास आता है, फिर भी वो अर्टिकेरिया ठीक नहीं होता है, तब उनको समझ में आती है कि वो टेस्ट वेस्ट गया है, कोई मतलब नहीं निकला उसका। तो दोस्तों, ऐसे किसी भी एलर्जी टेस्ट के झांसे में नहीं आना है। इन एलर्जी टेस्टों की उपयोगिता सिर्फ और सिर्फ आपका डर्मेटोलॉजिस्ट तय कर सकता है, वो कहाँ यूजफुल हो सकते हैं, वो एलर्जी टेस्ट आपको कराने चाहिए या नहीं कराने चाहिए। और उसमें भी पूरे पैनल में जाने की जरूरत नहीं होती, आपको डर्मेटोलॉजिस्ट स्पेसिफिकली लिख कर देता है कि आपको सिर्फ ये वाला पैनल टेस्ट कराना है, वो भी तब जब आपकी हिस्ट्री टेकिंग के टाइम पर डॉक्टर को ये डाउट होता है कि ये फैक्टर इसमें इन्वॉल्व हो सकता है। तो क्रॉनिक अर्टिकेरिया में इस ब्लड से होने वाले एलर्जी टेस्ट का बहुत ज्यादा रोल नहीं है, अपना पैसा वेस्ट नहीं करें। इंडिया में इस टेस्ट की कॉस्ट 5 से 6 हजार रुपए के आसपास होती है और मैं मेरी प्रैक्टिस में यही कहता हूं कि उस 5 से 6 हजार रुपए से इस पूरे बीमारी का इलाज हो सकता है आराम से, जो साल भर का इलाज होता है इसका। तो अपना पैसा ऐसे वेस्ट नहीं करें बिना डॉक्टर से कंसल्ट किए, बिना डॉक्टर से कंफर्म किए। और डॉक्टर भी डर्मेटोलॉजिस्ट होना चाहिए, फिजिशियन या एलर्जी वाले स्पेशलिस्ट या इम्यूनोलॉजिस्ट। जब आपकी हिस्ट्री टेकिंग से ही चीजों का आइडिया लग रहा है, तो वो ब्लड टेस्ट से कोरिलेट अगर नहीं हो पा रहा है अगर, तो उसका फिर कोई मतलब नहीं है, वो वेस्टेज है। अब जो ये टेस्ट है, एलर्जी टेस्ट जो भी हैं, फूड टेस्टिंग हो गया या ड्रग सेंसिटिविटी टेस्टिंग हो गई, इनकी उपयोगिता केवल वही है, स्पेशली इन एक्यूट अर्टिकेरिया, जहां पर आपने खुद ने ये रियलाइज किया है कि हाँ, मैंने पिछले 7 दिन में 5, 7, 10 तरह की कुछ कुछ दवाइयां ली थी, उसके बाद ही मुझे ये स्टार्ट हुआ है, या फिर मैंने पिछले 3, 4 दिन में डिफरेंट फूड आइटम्स इंटेक किए हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है। तो जब डॉक्टर को ऐसा लगता है, तो डॉक्टर आपको लिख कर दे सकता है। तो इसमें भी दो तरीके होते हैं, या तो अगर आप बहुत टेस्ट कॉन्शियस हो तो ठीक है, आप टेस्ट के लिए जा सकते हो, टेस्ट में कुछ चीजें पता लग सकती हैं, वहां पर भी 100% श्योर नहीं होती चीजें, ठीक है। और दूसरा तरीका ये होता है कि ओके, आप पिछले 3 डेज में ये कुछ आइटम्स हैं जो मैंने पहले कभी कंज्यूम नहीं किए थे, अभी कंज्यूम किए हैं, या ये मेडिसिन मैंने पहले नहीं ली थी, इसी बार ली है। तो एक बार आप जो एपिसोड स्टार्ट हो गया है उसको ठीक करो, उसके बाद आप उसे या तो उस फूड को अवॉइड कर सकते हो, या फिर उसके लिए एक प्रोवोकेशन टेस्ट होता है, आप उसको कम क्वांटिटी में थोड़ा लेकर देख सकते हो। तो एक्यूट अर्टिकेरिया में जब डाउट्स में फूड या मेडिसिन पे डाउट जाता है, तब आप ये टेस्ट करवा सकते हैं, वो भी डॉक्टर के कहने पे करवाएं, खुद से करवा के अपना पैसा और टाइम वेस्ट ना करें। अब कई बार इस एक्यूट अर्टिकेरिया में भी क्या होता है कि पेशेंट हमारे पास ऑलरेडी 10 एपिसोड्स का हिस्ट्री लेकर आता है कि मैंने ये, और पेशेंट खुद ही नोट करने लग जाता है, मैंने ये नोट किया है कि जब भी मैं ये पर्टिकुलर फूड आइटम खाता हूँ या मैं ये
पेन किलर के लिए या पेट के दर्द के लिए या किसी और चीज़ के लिए कोई एंटीबायोटिक वगैरह ये लेता हूँ तो मुझे ये जरूर होता है। जब स्ट्रॉन्ग टेम्पोरल कोरिलेशन होता है तो कई बार हम टेस्ट को अवॉइड भी कर देते हैं और जस्ट पेशेंट को ये सजेस्ट करते हैं कि आप इस पर्टिकुलर चीज को अवॉइड कीजिए। जब स्ट्रॉन्ग टेम्पोरल कोरिलेशन हिस्ट्री से पता चल रहा होता है तो जस्ट टू सेव द मनी ऑफ पेशेंट हम इन चीजों को अवॉइड करने के लिए एडवाइस कर देते हैं और टेस्ट को स्किप कर देते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं आपको कंफर्म करना होता है तो आप फूड और ड्रग सेंसिटिविटी टेस्ट के लिए टेस्ट करवा सकते हैं। लेकिन फिर भी रिपीट कर रहा हूँ कि मैं डॉक्टर से बिना पूछे नहीं करवाना है। ये तो हो गया एक्यूट अर्टिकेरिया के लिए। क्रॉनिक अर्टिकेरिया के लिए यूजुअली जैसे मान लो बहुत लंबा टाइम हो गया है आपको बार बार अर्टिकेरिया हुए जा रहा है तो हम आपके बाकी जो सिस्टम्स हैं उनको चेक करने के लिए टेस्ट एडवाइस कर सकते हैं। उसमें एक जनरल हेल्थ आपकी चेक की जाती है। कभी कभार कुछ ऑटो इम्यूनिटी से रिलेटेड कुछ टेस्ट होते हैं वो किए जा सकते हैं ताकि आपका ये पता लगाया जा सके कि ये जो अर्टिकेरिया हो रहा है वो कुछ अंडरलाइन कंडीशंस की वजह से तो नहीं हो रहा है। उसमें आपके नॉर्मल जो भी CBC, LFT, RFT या आपका थायराइड फंक्शन टेस्ट है या कभी कभार कुछ ANA वगैरह कुछ होते हैं ऐसे टेस्ट जो ऑटो इम्यूनिटी को प्रिडिक्ट करने में हेल्प करते हैं उस तरह के टेस्ट किए जा सकते हैं। जब डॉक्टर को ये डाउट रहता है कि अंडरलाइन डिजीज रोल प्ले कर रही होगी तो उससे रिलेटेड टेस्ट आपको एडवाइस किए जा सकते हैं। अब बात करते हैं कि अर्टिकेरिया का इलाज कैसे किया जाता है। मैं कोई मेडिसिन के नाम नहीं बताने वाला हूँ तो अगर आप मेडिसिन के नाम के लिए सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं तो यू कैन स्किप इट। लेकिन जरूरी ये होता है परेशानी हमारे पास जो पेशेंट्स आके बताते हैं ना उन्हें बीमारी ही समझ में नहीं आती। बीमारी का प्रवृत्ति समझ में नहीं आता उसका टेंडेंसी समझ में नहीं आता है बस वो इधर से उधर भटकता रहता है। आपको ये समझना है कि बीमारी क्या है और कैसे इसका इलाज होता है ताकि आप एक डॉक्टर के साथ रह के उस बीमारी का इलाज कंप्लीट कर सको। सबसे इंपॉर्टेंट होता है आपकी हिस्ट्री टेकिंग से कोई भी कारण का अगर डाउट हो रहा है तो उस डाउट को हाईलाइट करके अवॉइड करके देखना। अवॉइडेंस ऑफ ट्रिगरिंग फैक्टर ये सबसे इंपॉर्टेंट होता है इसके अंदर। अगर ऐसा कुछ है तो वो किया जाता है पहले एंड साथ में मेडिसिन स्टार्ट की जाती है। तो ज्यादातर समय पे जब ट्रिगर आइडेंटिफाई हो रहा है और उसको बंद कर देते हैं तो वो सही हो जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि उस ट्रिगर ने स्टार्ट तो कर दिया आपका रिएक्शन लेकिन उस ट्रिगर को हटाने के बाद भी वो रिएक्शन कुछ दिन तक कंटिन्यू हो सकता है तो वहां पर कुछ मेडिसिन की जरूरत पड़ सकती है। तो एक्यूट अर्टिकेरिया में जो आपका ट्रीटमेंट है वो मोस्ट ऑफ द टाइम पे शॉर्ट रहता है। सपोज आप कल आए कल से आपको अर्टिकेरिया हो रहा है आज आप डॉक्टर को दिखाने आ गए तो वो आपको 7-10 डेज की मेडिसिन देकर बुला सकता है 15 डेज की मेडिसिन देकर बुला सकता है। लेकिन उसमें भी मेडिसिन को इस तरह से सेट कर सकता है कि वो एक के बाद एक बंद होती जाए और ये पता लगता जाए कि आप ठीक हो रहे हो या नहीं हो रहे हो। तो एक्यूट अर्टिकेरिया मोस्ट ऑफ द टाइम पे शॉर्ट कोर्स लेने के बाद ठीक हो जाता है। रिकरेंसेस अनकॉमन होती है। अगर आप वापस से उस नॉन ट्रिगरिंग फैक्टर के कॉन्टेक्ट में नहीं आते हैं तो जनरली रिकरेंसेस नहीं होती है। अब क्रॉनिक अर्टिकेरिया में अवॉइडेंस ऑफ डाउटफुल ट्रिगरिंग फैक्टर्स वो तो है ही। इसके अलावा मेडिकेशंस, अब जो मेडिकेशंस होती हैं उसमें जो ग्रुप है मेडिकेशंस का वो है एंटीहिस्टामिनिक्स, मेन ग्रुप यही होता है। इसके अलावा फिर इम्यूनोसप्रेसिव्स होते हैं, उसमें स्टेरॉइड भी हो सकते हैं नॉन स्टेरॉइड भी हो सकते हैं, वो आपकी बीमारी की सीवियरिटी के बेसिस पे डिसाइड किया जाता है। इसमें खाने वाली गोलियां भी हो सकती हैं, सीवियर रिएक्शन होता है तो इंजेक्शन भी हो सकता है, और आजकल कुछ मेडिसिन जिनको बायोलॉजिक्स कहते हैं वो इंजेक्शन की फॉर्म में आती हैं। तो जब खाने वाली मेडिसिन भरपूर तरीके से अच्छे तरीके से लेने के बाद भी अगर नहीं ठीक होता है तो उन बायोलॉजिक्स को यूज किया जा सकता है। तो दोस्तों जब आप फर्स्ट विजिट पे क्रॉनिक अर्टिकेरिया के लिए कंसल्टेशन के लिए जाते हैं तो उस टाइम पर आपका जो नंबर ऑफ मेडिसिन है स्टार्ट में वो ज्यादा हो सकता है, यानी 3-4 टाइप्स की आपको मेडिसिन दी जा सकती है। उसमें कुछ टाइम का आपका स्टेरॉइड भी हो सकता है या कुछ और दूसरा नॉन स्टेरॉइड इम्यूनोसप्रेसिव हो सकता है और कुछ 2-3 तरह के अलग अलग एंटीहिस्टामिनिक्स हो सकते हैं। अब डॉक्टर क्या करता है, ये इसलिए करता है कि आपको एक बारी के लिए फर्स्ट उस कुछ दिनों में आपको एक 100% कंट्रोल मिल जाए। फिर उसके बाद में वो सबसे पहले जो ज्यादा हार्मफुल हो सकते हैं जैसे स्टेरॉइड्स होते हैं उनको बंद करता है, फिर नॉन स्टेरॉइडल इम्यूनोसप्रेसिव्स अगर चल रहे हैं तो उनको बंद करते हैं एंड देन उसके बाद एंटीहिस्टामिनिक्स को बंद करने का नंबर आता है। अब इन सब चीजों की प्रक्रिया के बीच में आपको गैप नहीं करना होता है, बस रेगुलर ट्रीटमेंट लेना होता है। और मैं इसको पेशेंट्स को इसी तरह से समझाता हूँ कि अगर आप थायराइड का, आप बीपी का, आप शुगर का, आप गठिया का या आपकी और कोई न्यूरोलॉजिकल ब्रेन की प्रॉब्लम है, कोई हार्ट की प्रॉब्लम है, लीवर की प्रॉब्लम है, अगर वहां पर आप रेगुलर इलाज ले सकते हो तो आप स्किन की डिजीज में रेगुलर इलाज लेने से क्यों डरते हो, क्यों उसको एक बोझ समझते हो। वो जिस तरह से अंग है उनकी बीमारी है उसी तरह से स्किन की भी ये एक बीमारी है जिसमें आपको रेगुलर इलाज लेने से उस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है।
दूसरी बात, ये जो एंटी हिस्टामिनिक्स हैं यूजुअली वो सेफ होते हैं, उनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। बहुत ज़्यादा टाइम बाउंडेशन, कुछ सब खाने से रिलेशन, दूसरी दवाइयों के साथ इंटरेक्शन ऐसा कुछ होता नहीं है। बस आपको टाइमली उस मेडिसिन को लेना है ताकि आपका जो इम्यून सिस्टम डिस्टर्ब हुआ है वो वापस से धीरे 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 उस रिएक्शन करने के पैटर्न को भूल सके, ठीक हो सके, रिवर्स हो सके और आपके अर्टिग्रिया ठीक हो जाए। पर स्किन वाले केस में ये होता है कि पेशेंट को शायद या तो डर नहीं लग रहा होता है, तो वो बीच बीच में ना अपने हिसाब से बंद करके देखता है दवाइयों को। 15 दिन की दवाई दी डॉक्टर ने, 10 दिन लेगा और फिर 5 दिन छोड़ के देखेगा कि ये ठीक है, ठीक हो रहा है नहीं। फिर आके बोलता है, सर मैंने ऐसे चेक करने के लिए मैं लेट आया हूँ, 20 दिन भी क्यों आया हूँ कि सर मैंने 5 दिन गैप करके। नहीं करना है, वो जो बैलेंस बन रहा है अगर आप उसको बीच बीच में तोड़ दोगे तो वो बैलेंस बनेगा ही नहीं। डॉक्टर को फिर से वापस आपको फिर ज्यादा दवाइयों से स्टार्ट करना पड़ेगा, फिर कम की तरफ जाना पड़ेगा, तो वो आपके उल्टे इलाज की बर्डन को, लेंथ को बढ़ाता है। तो आपको ऐसा नहीं करना है। तो जब आप सेकेंड विजिट पे जाते हैं, आपकी कुछ दवाइयां बंद हो चुकी होती हैं, फिर धीरे धीरे आपकी विजिट का टाइम इंक्रीज होता जाता है। अब आपको डॉक्टर 15 दिन में, 20 दिन में, 20 दिन में, महीने में वैसे नहीं बुलाएगा, फिर आपको वो 1.5 2 3 महीने में बुला सकता है और एक एक डोज उसमें से कम कर सकता है। आपको रेगुलर लेनी है मेडिसिन और 1 साल में 50 से 60% लोगों की दवाई आराम से छूट जाती है सिर्फ टाइमली मेडिसिन लेने से। टाइमली से मेरा मतलब ये, अगर डॉक्टर ने आपको बोला है सुबह 8-9 बजे लेना है तो 8-9 बजे लेना है, 3-4 बजे बोला है तो 3-4 बजे लेना है, रात को 9-10 बजे बोला है तो 9-10 बजे लेना है। ये नहीं करना है कि फिर 3-4 बजे की मेडिसिन भी 9-10 बजे ले रहे हो, 9-10 बजे वाली भी 9-10 बजे ले रहे हो, उसका कोई मतलब नहीं है। क्योंकि वो मेडिसिन होती एक ही ग्रुप की है, आपको एक 24 घंटे का कंट्रोल देने के लिए उसका टाइमिंग अलग अलग सेट किया जाता है। लेकिन अगर आपने उसका टाइमिंग डिस्टर्ब कर दिया कि बस ठीक है सुबह शाम बोला है तो शाम को कभी भी, तो वो फिर दो मेडिसिन एक साथ लेने का कोई सेंस नहीं। और जो दवाइयाँ कम करने की स्पीड होती है वो बहुत धीरे होती है एकदम, यानी 1.5 2 2.5 महीने में एक एक डोज को कम किया जाता है। रोज चल रही है तो एक दिन छोड़ के एक दिन होगी, सुबह शाम चल रही है तो एक टाइम होगी, तो ऐसे बहुत धीरे धीरे कम किया जाता है। तो खुद से डॉक्टरी करने की बजाय, खुद से घर पे इलाज करने की बजाय, आप 2 3 महीने में एक बार डॉक्टर से मिल के आगे 2 3 महीने में कैसे कम करना है वो समझ लो एंड बस उसको फॉलो करना है घर पे। अब आपको इलाज के असर को कैसे चेक करना है कि इलाज का फायदा भी हो रहा है कि नहीं हो रहा है, आपको इसको चेक करना है बिना दवाई के बीमारी कैसी रहती है और दवाई के साथ बीमारी कैसे रहती है। पहला तो ये देखना है आपको, मान लो बिना दवाई के आपको पूरे दिन भर दाफड़ होती रहती है मल्टीपल टाइम्स, और दवाई लेने के बाद आपको 100% कंट्रोल हो रहा है, 90% कंट्रोल हो रहा है या 80% कंट्रोल हो रहा है, वो चीजें आपको चेक करके रखनी है, डॉक्टर को अगली विजिट पे बताना होता है। कई बार ऐसा होता है, ज्यादातर समय पे 100% कंट्रोल हो जाता है, कभी कभार ऐसा होता है कि मेडिसिन ली आपने, फर्स्ट कोर्स लिया और आपको उसके बाद में 100% कंट्रोल नहीं मिलता, तो आप डॉक्टर को जाके, पेशेंट हमें आके बोलते हैं कि सर लेते लेते भी कुछ ना कुछ परेशानी मुझे हो रही थी। आप उस परेशानी को ग्रेड कर सकते हो डॉक्टर को और इजी करने के लिए। यानी जैसे पहले आपको उस अर्टिकेरिया से नींद में परेशानी हो रही थी, काम पे परेशानी हो रही थी, अब आप बता सकते हो कि हाँ सर नींद तो ठीक आ रही है, फिर भी दिन भर में मेरे को एक आध बार कुछ ऐसा महसूस होता है जैसे लाल हो रहा है, खुजली हो गई है या हल्की सी चमड़ी में स्वेलिंग, तो उससे डॉक्टर को आइडिया लगता है कि ओके चीज़ें 85-90% ठीक है, अब उसको उस 10% को कंट्रोल करने के लिए मेहनत करनी है। एक तरीका तो ये होता है बिना दवाई के और दवाई के। अब दवाई के चलते चलते में आपको ये देखना होता है, जैसे सपोज मैं मेरा बता रहा हूँ, जैसे मैं फर्स्ट कोर्स 20 डेज का देता हूँ, उसमें फर्स्ट 7 10 डेज स्टेरॉइड्स होते हैं या नॉन स्टेरॉइड दवाइयाँ होती हैं, और उसके बाद फिर हम उस फर्स्ट विजिट पे उनको बंद करके भी देख लेते हैं। तो आपको ये चेक करना है कि 4 दवाइयों के साथ में कैसा था, और जब आखिरी में जब डॉक्टर के पास जाने का वापस टाइम हो गया, उस टाइम 2 रह गई या 1 रह गई, जो भी रह गई, उनके साथ कैसा था, क्या उस 20 दिनों में भी अंतर था आपके रेस्पॉन्स में, ये चीज देखनी है। उससे उसको ये आइडिया लगता है डॉक्टर को कि किस दवाई ने ज्यादा रोल प्ले किया है, तो वो आगे के इलाज को उस हिसाब से सेट करता है, एक तरीका। दूसरा तरीका ये होता है, अब जब आगे के कोर्सेज में हम आपकी दवाइयाँ कम कर रहे होते हैं, तो जनरली क्या होता है कि सुबह शाम एक रात ठीक है करते करते हम एक दिन छोड़ के एक दिन पे आ जाते हैं, तब तक मोस्ट ऑफ द मरीज आराम से ठीक रहते हैं। अब जब रोज से एक दिन छोड़कर एक दिन किया या एक दिन छोड़कर एक दिन से दवाई को और आगे कम करते हैं, तो आपको ये चीज नोट करनी है कि क्या दवाई कम करने पे बीमारी वापस तो नहीं आ रही है, उसका कोई भी कंपोनेंट आपको दोबारा से महसूस तो नहीं हो रहा है, और उस कंपोनेंट्स में आपको स्वेलिंग चेक करनी है, आपको रेडनेस चेक करनी है, आपको खुजली चेक करनी है, कुछ वापस तो नहीं हो रहा है। अब जब बंद करने का टाइम आता है दोस्तों, जब दवाइयों को कम करते करते एक दिन छोड़ के एक दिन से, 2 दिन छोड़ के, 3 दिन छोड़ के, इस तरह से हफ्ते में एक बार, इस तरह से जब दवाइयों को कम करते 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 हैं, और कई बार ऐसा होता है कि 50-60% में तो खत्म हो गई, छूट गई बीमारी, है ना, दवाई छूट गई,
और कुछ में ऐसा होता है कि जैसे ही हम एक दिन छोड़ के, एक दिन से 2 दिन छोड़ के करने लगते हैं, तो वापस से कुछ कुछ आने लगता है। तो इस स्टेज पर डॉक्टर आपको वापस से कुछ दवाइयाँ और ऐड कर सकता है, ताकि ये जो स्किन इससे आगे सेट नहीं हो पा रही है, इससे आगे हेल्दी नहीं रह पा रही है, वो और आगे ठीक हो जाए। तो वहाँ पर कुछ मेडिसिन आपकी चेंज हो सकती है, तो आपको इससे परेशान नहीं होना है कि कम होते होते वापस बढ़ के होगी, क्योंकि हमारी कोशिश ये रहती है कि इसको और कम किया जाए, बंद किया जाए। और रेयर साइड या पुअर प्रोग्नोस्टिक साइड पे हम ये मान सकते हैं कि कभी कभार किसी किसी को हफ्ते में एक गोली या दो गोली खाने से अगर पूरा हफ्ता ठीक निकलता है, तो वो फिर पैटर्न हम लंबा रखते हैं, यानी 3 महीना 6 महीना कि आप इसको लेते रहिए। ठीक है, अगर पेशेंट मान लो और दवाइयाँ नहीं लेना चाहता है, कुछ और नए मॉलिक्यूल्स नहीं ट्राई करना चाहता है, तो फिर आप उस पर सेट करके ट्रीटमेंट को मेंटेनेंस पे रख सकते हो, और उसका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। आप उसको लंबे टाइम तक ले सकते हो उस मेडिसिन को। बीच बीच में आपको 5-6 महीने में आप डॉक्टर से मिल लीजिए, आप उसको अगर और कम करके देखना चाहते हैं, वो भी आप कम करके देख सकते हैं। अब कई बार पेशेंट ये बोलता है कि पहली विजिट पे जब आता है कि सर मैं एक गोली खाता हूँ और मेरे को 2 दिन आराम से मेरे निकल जाता है, एक दिन आराम से निकल जाता है, 2 दिन आराम से निकल जाता है, 24-48-72 घंटे का टाइम लेकर आता है पेशेंट, इतना मेरा निकल जाता है, जिसका ऑलरेडी 1 हफ्ते की एक गोली से या दो गोली से टाइम आराम से निकल रहा है, और गोली भी ऐसी है कि जिससे कोई साइड इफेक्ट नहीं है। तो हम मोस्ट ऑफ द टाइम पे पेशेंट को यही काउंसिल करते हैं कि आप इस पैटर्न को चलने दीजिए, क्योंकि आप जब नया कोर्स स्टार्ट करेंगे नए डॉक्टर के साथ में, तो वो वापस अपना जीरो से स्टार्ट करेगा, उसको लेकर आएगा अगले साल भर में यहाँ तक, और हो सकता है कुछ पॉसिबिलिटीज ये रहती हैं कि एंड में फिर सीन वही बने कि आपको हफ्ते में एक या दो गोली खाती रहनी पड़े। तो ये पेशेंट को ऑप्शन दिया जाता है कि आप चाहो तो इस पैटर्न को कंटिन्यू कर सकते हो, और चाहो तो आप दोबारा से एक बार वापस इसको बंद करवाने की कोशिश के लिए पूरा इलाज ले सकते हो। अब कंपेयर करने का तरीका क्या होता है, कई बार पेशेंट ये बोलता है कि मैं मेडिकल से गोली खा लेता हूँ, 2 दिन मेरा ठीक रहता है, आपकी दवाई से भी तो यही हो रहा है, फिर क्या मतलब है इसका। तो आपको इसमें यही चेक करना है, जब आपके पहले वाली मेडिसिन से आपका 24 घंटा निकल रहा था, 24 घंटे के बाद जो तकलीफ हो रही थी वो किस लेवल की थी, और अब जो यहाँ से आप दवाई नया दवाई स्टार्ट कर रहे हैं डॉक्टर से, उसको लेने के बाद आपका वो 24 घंटा 48 में 72 में कन्वर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा है, या आपकी परेशानी खत्म हो रही है कि नहीं हो रही है, या 48 के बाद होने वाली तकलीफ है वो आपको बहुत ज़्यादा तो नहीं है पहले से, इस तरह से आप कंपेयर कर सकते हो। तो दोस्तों, समराइज करने के लिए, अर्टिकेरिया कॉमन प्रॉब्लम है, और स्पेशली क्रॉनिक अर्टिकेरिया वाले पेशेंट्स के लिए मैं मैसेज देना चाहता हूँ कि आप इसके टेस्ट के पीछे, कारण पता लगाने के पीछे आप बहुत ज़्यादा अपना टाइम और पैसा वेस्ट ना करें। आप रेगुलर ट्रीटमेंट करें, जिस भी क्वालिफाइड डर्मेटोलॉजिस्ट से आप ट्रीटमेंट ले रहे हैं, बस आप रेगुलर लेते रहिए, क्योंकि वहाँ एक प्रोटोकॉल होता है ऑलरेडी माइंड में कि इस तरह से दवाइयों को कम करना है या बंद करवाने की कोशिश करनी है बीच बीच में। तो आप वो तभी पॉसिबल है जब आप इलाज को रेगुलर बेसिस पर लेंगे, रेगुलर बेसिस पर डॉक्टर को जाके वापस रिपोर्ट करेंगे। एक उम्मीद रहती है 50 से 60% लोगों की दवाई छूट जाती है 1 साल में, तो उस कैटेगरी में आने के लिए आपको ट्रीटमेंट रेगुलर लेने की ज़रूरत है। ट्रीटमेंट ऐसा है जिसका बहुत कुछ नेगेटिव इफेक्ट नहीं है, दूसरी गोलियों से इंट्रेक्शन नहीं है, दूसरी बीमारियों से इंट्रेक्शन नहीं है, बस आपको एंटीहिस्टामिनिक्स टाइमली लेने होते हैं, और मेडिसिन्स भी ऐसी होती हैं जिनका किसी और मेडिसिन से, आपके खाने पीने से, आपकी दूसरी बीमारियों से बहुत ज़्यादा इंट्रेक्शन नहीं होता है। तो आपको बस उसको टाइमली लेकर के कंप्लीट करना होता है कोर्स को। होने को बहुत फ्रस्ट्रेट कर देती है, डेली डेली रैशेज हो जाते हैं, सडनली कहीं भी स्टार्ट हो जाता है आपको, लेकिन परेशान नहीं होना है। आप कभी भी जब ट्रेवल कर रहे हैं, कुछ भी अपने साथ में कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं, फंक्शन हैं, वो टेबलेट आप अपने पास रख सकते हैं। इसमें ऐसा भी होता है कि अगर आपने वो टेबलेट ली है, 1 घंटे बाद आपको फिर से इचिंग सेंसेशन फील हो रहा है, तो आप उसको रिपीट कर सकते हैं उस डोज को, उससे कोई साइड इफेक्ट या कुछ ऐसा परेशानी नहीं होता है इमरजेंसी केसेस में। दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ अर्टिकेरिया जो एक बहुत कॉमन स्किन प्रॉब्लम है, आपको इस बीमारी के बारे में एक बेसिक इन्फॉर्मेशन मिली होगी, इसके कारण, इसके टाइप्स, इसको कैसे पहचाना जाता है और इसका इलाज कैसे किया जाता है। मैं मेरे वीडियोस में कोशिश करता हूँ आपको एक मोटिवेशन मिले इलाज लेने के लिए, ताकि आप अपनी क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सकें एक अच्छे इलाज से। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो गाइडेंस आपको इस वीडियो में अर्टिकेरिया के बारे में मिली होगी। अगर आपको हमारे वीडियोस अच्छे लगते हैं, तो आप इनको शेयर कीजिए ज़रूरतमंद लोगों के साथ में, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए आगे और इस तरह के स्किन, हेयर और नेल्स से रिलेटेड वीडियोज़ के लिए। थैंक यू।